हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम क्लास फिफ्थ सोशल स्टडीज़ विंटर वेकेशन होमवर्क सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास फिफ्थ सोशल स्टडीज़ का विंटर वेकेशन होमवर्क सॉल्व करते हैं। 4 जनवरी 2022 ट्यूसडे, 4 जनवरी 2022 ट्यूसडे को आप जो हॉलीडे होमवर्क करेंगे उसमें एक्टिविटी फर्स्ट ब्लॉक प्रिंटिंग। Make block prints from different vegetables and colors on the paper as shown below. गतिविधि एक, ब्लॉक प्रिंटिंग। नीचे दिए गए चित्र के अनुसार कागज पर विभिन्न सब्जियों से ब्लॉक प्रिंट कीजिए। तो चलिए चित्र देखते हैं। Here you can see two block prints. आप देख सकते हैं बच्चों, भिंडी को काट कर भिंडी से ब्लॉक प्रिंटिंग की गई है। दूसरे चित्र में आलू को आधा काट कर उसमें थोड़ा सा डिजाइन बनाकर ब्लॉक प्रिंटिंग की गई है। आप भी इसी प्रकार सब्जियों को लेकर और उन्हें बीच में से काट कर थोड़ा सा डिजाइन बनाकर इस प्रकार की ब्लॉक प्रिंटिंग कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे करते हैं इसका वीडियो बनाकर मैंने इस यहाँ पर लगा दिया है, जिसे देखकर आप भी ब्लॉक प्रिंटिंग करना आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे करते हैं सीखते हैं। टुडे वी विल लर्न हाउ टू मेक ब्लॉक प्रिंट्स फ्रॉम डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड कलर्स ऑन द पेपर। आज हम कागज पर विभिन्न सब्जियों से ब्लॉक प्रिंट बनाना सीखेंगे। तो चलिए ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेजिटेबल्स।
ब्लॉक प्रिंटिंग सीखने के बाद चलिए अगली गतिविधि करते हैं। एक्टिविटी टू, थ्रेड प्रिंटिंग। टेक वन थ्रेड एंड सॉक इट इन डिफरेंट कलर्स एंड ड्रॉ इट इन फोल्डेड पेपर एंड मेक 5 डिज़ाइंस। गतिविधि दो, धागा थ्रेड प्रिंटिंग। कोई एक धागा लेकर उसे अलग अलग रंग में भिगोकर मुड़े हुए कागज में रखकर खींचिए तथा 5 डिजाइन बनाइए। तो बच्चों, इस एक्टिविटी को आप अपने घर पर करेंगे तो आप एक धागा लेंगे, उसे अलग अलग रंग में भिगोकर मुड़े हुए कागज़ में रखकर खींचेंगे। खींचने के बाद आप देखेंगे कि कागज़ पर डिजाइन बन जाएगा। 5 बार ऐसा करने से आप अलग अलग तरह के 5 डिजाइन बनाएंगे। आपकी सुविधा के लिए धागे से डिजाइन कैसे बनाते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। तो चलिए वीडियो देखकर सीखते हैं कि धागे से डिजाइन कैसे बनाते हैं। थ्रेड प्रिंटिंग, धागे से प्रिंटिंग करने के बाद चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन 1, आस्क योर पेरेंट्स एंड राइट व्हाट आइटम्स वर यूज्ड फॉर राइटिंग व्हेन दे वर किड्स। प्रश्न 1, अपने माता पिता से पूछकर लिखिए कि उनके बचपन में लेखन के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। तो बच्चों, यहाँ पर आप अपने माता पिता से पूछेंगे कि उनके समय में लेखन के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। फॉर योर कन्वीनियंस, आपकी सुविधा के लिए, आई एम राइटिंग हेयर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। स्लेट्स एंड तख्तीज वर यूज्ड फॉर राइटिंग व्हेन माय पेरेंट्स वर किड्स। हमारे माता पिता के बचपन में लेखन के लिए स्लेट व तख्ती का उपयोग किया जाता था। आप भी अपने माता पिता से पूछकर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। आप उनसे पूछेंगे कि आपके बचपन में लेखन के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था, और वो जो आंसर दें आप उसे यहाँ लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 जनवरी 2022 फ्राइडे वी विल डू। 7 जनवरी 2022 फ्राइडे को हम जो हॉलीडे होमवर्क करेंगे उसमें एक्टिविटी 3, मेकिंग टेलीफोन। मेक अ टेलीफोन विद 2 पेपर कप्स एंड थ्रेड। 4 जनवरी 2021 सोमवार को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें गतिविधि 3, टेलीफोन बनाना, कागज़ के 2 कप तथा धागे से टेलीफोन बनाइए। तो आपको कागज़ के 2 कप तथा धागे की सहायता से टेलीफोन बनाना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर एक वीडियो लगा दी है, जिसकी सहायता से आप आसानी से कागज़ के कप तथा धागे से टेलीफोन बनाना सीख सकेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी फोर, मेक साइन लैंग्वेज, टॉक विद योर ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स विदाउट स्पीकिंग वर्ड्स। फॉर दिस यू कैन ऑल्सो मेक योर साइन लैंग्वेज। गतिविधि दो, सांकेतिक भाषा, अपने भाई बहन माता पिता के साथ बिना शब्दों को बोले बात कीजिए। इसके लिए आप अपनी सांकेतिक भाषा भी बना सकते हैं। तो बच्चों, आपको अपनी सांकेतिक भाषा बनानी है जिसके माध्यम से आप अपने भाई बहन माता पिता से बातचीत करेंगे और उनको भी इस भाषा को सिखाने का प्रयास करेंगे। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ कुछ पिक्चर्स लगा दी हैं जिन्हें देखकर आप साइन लैंग्वेज को थोड़ा सा समझ सकते हैं, जैसे यस नो के लिए क्या यूज़ करना है, प्लीज़ के लिए क्या यूज़ करना है, सॉरी के लिए क्या, वाटर चाहिए तो क्या साइन यूज़ करना है, और अगर नींद आ रही है तो नींद के लिए क्या साइन यूज़ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वन, आस्क योर पेरेंट्स एंड राइट व्हाट वर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन दे वर किड्स। प्रश्न एक, अपने माता पिता से पूछकर लिखिए कि उनके बचपन में संचार के कौन कौन से साधन होते थे। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने माता पिता से पूछकर लिखना है कि उनके बचपन में संचार के कौन कौन से साधन होते थे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इन आवर पेरेंट्स चाइल्डहुड न्यूज़पेपर टेलीविज़न रेडियो टेलीग्राम लेटर्स मैगजीन एक्सेट्रा वर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे माता पिता के बचपन में समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो, तार, चिट्ठी, पत्रिकाएं आदि संचार के साधन होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th January 2022 वेनसडे वी विल डू, 12 January 2022 वेनसडे को हम जो हॉलीडे होमवर्क करेंगे उसमें एक्टिविटी 5, ड्राइंग फ्रॉम सीड्स, ड्रॉ अ पिक्चर ऑन पेपर एंड पेस्ट सीड्स पल्सेस ऑन इट। बीजों से चित्र बनाना, कागज पर कोई भी एक चित्र बनाइए और विभिन्न बीज डालें चिपकाएं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ चित्र बनाकर उसमें दालें चिपकाई गई हैं। आप भी किसी भी तरह का कोई भी चित्र बना सकते हैं और उसमें दालें या बीज चिपकाकर उसे पूरा कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर दालों से बनी कुछ पेंटिंग यहाँ पर लगा दी हैं जिन्हें देखकर आप भी आसानी से चित्र बनाकर उन पर दाल चिपकाकर पेंटिंग तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वन, आस्क योर पेरेंट्स एंड राइट हाउ डिफरेंट ग्रेन्स और वेजिटेबल्स आर ग्रोन। प्रश्न एक, अपने माता पिता से पूछकर लिखिए कि विभिन्न अनाज या सब्जियां कैसे उगाई जाती हैं। तो बच्चों, यहां पर आपको अपने माता पिता से पूछकर लिखना है कि विभिन्न अनाज या सब्जियां कैसे उगाई जाती हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ कुछ चरण लिख रहा हूँ जो कि इस प्रकार हैं। स्टेप्स टू ग्रो ग्रेन्स और वेजिटेबल्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट, प्लाउइंग द फील्ड्स, खेत जोतना। सेकंड, सोइंग, बीज बोना। थर्ड, मैन्यूरिंग, खाद देना। चौथा, फोर्थ, इरिगेशन, सिंचाई करना। फिफ्थ, वीडिंग, खरपतवार निकालना। सिक्स्थ, हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई। एंड द लास्ट वन इज स्टोरेज, भंडारण, जो फसल पककर तैयार हो जाती है उसे काटकर उसका भंडारण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 6, टॉय कार्ट मेकिंग, मेक ए टॉय कार्ट फ्रॉम एम्प्टी मैच बॉक्सेस। खिलौना गाड़ी बनाना, माचिस के खाली डिब्बों से खिलौना गाड़ी बनाइए। तो बच्चों, आपको माचिस के खाली डिब्बों से यहाँ खिलौना गाड़ी बनानी है। आप यह कार्य स्वयं करेंगे। आप खाली माचिस लेंगे और उसमें पहिए लगाकर उसकी खिलौना गाड़ी बनाएंगे।
आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चित्र लगा दिए हैं, जिन्हें देखकर आप भी आसानी से माचिस की खिलौना गाड़ी बना सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वन, आस्क योर पेरेंट्स एंड राइट व्हाट वर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हेन दे वर किड्स। प्रश्न एक, अपने घर माता पिता से पूछकर लिखिए कि उनके बचपन में परिवहन के कौन कौन से साधन थे। तो यहाँ पर आप अपने माता पिता से पूछकर लिखेंगे कि उनके बचपन में परिवहन के कौन कौन से साधन थे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, In our parents' childhood, bullock cart, horse cart that is also called tonga, bus, train, taxi, bicycle, etc. were the means of transportation. Aeroplanes were also a means of transportation, but due to being very expensive, only few people used to travel in it. हमारे माता पिता के बचपन में बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी जिसे तांगा भी कहते थे, साइकिल, बस, टैक्सी, रेलगाड़ी आदि परिवहन के साधन होते थे। हवाई जहाज़ भी परिवहन का साधन होता था, परंतु बहुत महंगा होने के कारण कुछ लोग ही इसमें सफ़र करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी 2022 सैटरडे वी विल डू, 15 जनवरी 2022 सैटरडे हम जो हॉलीडे होमवर्क करेंगे उसमें एक्टिविटी 7, मेक अ लिस्ट ऑफ इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स, मेक अ लिस्ट ऑफ इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स एंड डिस्कस विद ऑल द फैमिली मेंबर्स एंड आस्क व्हेन टू कॉल विच इमरजेंसी नंबर। आपातकाल में काम आने वाले फ़ोन नंबरों की सूची बनाना, आपातकालीन स्थिति में काम आने वाले विभिन्न फ़ोन नंबरों की सूची बनाइए तथा घर के सभी सदस्यों से उन फ़ोन नंबरों के बारे में चर्चा कीजिए कि किस परिस्थिति में किस नंबर पर फ़ोन करना है। तो बच्चों यहाँ पर आपातकालीन स्थिति में काम आने वाले विभिन्न फ़ोन नंबरों की सूची बनानी है तथा उनके विषय में लिखना है कि किन परिस्थितियों में उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ आपातकालीन नंबरों को लिखेंगे। द लिस्ट ऑफ इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स इज एज फॉलोज। फर्स्ट, पुलिस 100 इन केस ऑफ पुलिस हेल्प। सेकंड, फायर ब्रिगेड 101 इन केस ऑफ फायर। थर्ड, एम्बुलेंस 102 इन केस ऑफ मेडिकल हेल्प। फोर्थ, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 in case of any help for children. Fifth, women helpline 1091 in case of violence against women. Sixth, disaster management 1078 in case of natural disaster or calamities. पहला, पुलिस 100100 पुलिस सहायता लेने के लिए। दूसरा, अग्निशमन विभाग 101101 आग लगने पर आग बुझाने के लिए। तीसरा, एम्बुलेंस 102102 किसी रोगी को अस्पताल पहुंचाने के लिए व अस्पताल से घर लाने के लिए। चौथा, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 1098 बच्चों की सुरक्षा एवं सहायता के लिए। पांचवा, वुमन हेल्पलाइन 1091 1091 महिलाओं को हिंसा के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के लिए। छठा, आपदा प्रबंधन 1078 प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए। बच्चों आप इनके अलावा भी अन्य आपातकालीन नंबर लिखेंगे और यह भी लिखेंगे कि उनका प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 8, फर्स्ट एड बॉक्स किट। प्रिपेयर अ फर्स्ट एड बॉक्स किट दैट कैन बी यूज्ड इफ एन इंजरी अकर्स। मेक अ लिस्ट ऑफ द आइटम्स कैप्ट इन फर्स्ट एड बॉक्स।
प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स किट। एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स किट तैयार कीजिए जो चोट लगने पर काम आ सके। प्राथमिक चिकित्सा किट में रखे जाने वाले सामान की सूची बनाइए। तो बच्चों, घर पर ही आप किसी खाली डब्बे को लेकर उस पर सफ़ेद कागज़ चिपकाएंगे और ऊपर लाल रंग से क्रॉस का जमा का निशान बनाएंगे और प्राथमिक चिकित्सा किट घर पर ही तैयार करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा किट में रखे जाने वाले सामान की सूची लिख रहा हूँ, जो कि इस प्रकार है। लिस्ट ऑफ आइटम्स कैप्ट इन फर्स्ट एड बॉक्स इज एज फॉलोज। फर्स्ट, डिटॉल और सेवलॉन। सेकंड, कॉटन। थर्ड, बैंडेज, कॉटन बैंडेज। फोर्थ, एंटीसेप्टिक क्रीम। फिफ्थ, सीजर्स। सिक्स्थ, वाइट टेप। सेवन्थ, थर्मोमीटर। एट, टैबलेट्स फॉर हेडेक, स्टमक एक, वॉमिटिंग, फीवर एक्सेट्रा। नाइन्थ, ORS पैकेट्स और ग्लूकोज। टेंथ, सोप। इलेवेंथ, ग्लव्स, डेटॉल या सेवलॉन, रुई, पट्टी व बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम, कैंची, सफ़ेद टेप, थर्मामीटर, सिर दर्द, पेट दर्द व बुखार की गोलियां, ORS के पैकेट, ग्लूकोज, साबुन, प्लास्टिक के दस्ताने। तो ये सब सामान हम प्राथमिक चिकित्सा किट में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वन, व्हाट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। फर्स्ट, अर्थक्वेक। सेकंड, फायर। प्रश्न एक, निम्नलिखित परिस्थितियों में आप क्या करेंगे। पहला, भूकंप। दूसरा, आग। तो भूकंप आने पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे। फर्स्ट, व्हेन एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स वी शुड मूव आउट ऑफ आवर होम्स एंड कम इनटू सम ओपन स्पेस। सेकंड, इफ वी कैनॉट कम इन एनी ओपन स्पेस देन वी शुड हाइड आवर सेल्फ अंडर अ स्ट्रॉन्ग टेबल और बेड इन द हाउस एंड होल्ड इट फर्मली सो दैट वी डू नॉट मूव विद द ग्राउंड एंड इफ एनी हैवी थिंग फॉल फ्रॉम टॉप then we remain safe and avoid injury. Third, if a person falls in escape, help him and run him away with yourself or 2-3 people should pick him up and take him to a safe place. पहला, भूकंप आने पर हमें अपने घरों से बाहर निकलकर किसी खुली जगह में आ जाना चाहिए। दूसरा, यदि हम किसी खुली जगह में नहीं आ सकते हैं तो घर में ही किसी मजबूत मेज या पलंग के नीचे छिप जाना चाहिए तथा उसको मजबूती के साथ पकड़ना चाहिए ताकि हम ज़मीन के साथ ना हिलें व ऊपर से कोई भारी चीज़ गिर भी जाए तो चोट लगने से बचा जा सके। तीसरा, यदि हमारे भागने में कोई व्यक्ति गिर जाता है तो उसकी सहायता कर उसे अपने साथ भगाइए या 2-3 लोगों को उसे उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। चलिए अब लिखेंगे आग लगने की परिस्थिति में क्या करना चाहिए। फर्स्ट, डायल 101 एंड इन्फॉर्म द फायर डिपार्टमेंट। सेकंड, प्रेस द फायर अलार्म बटन। थर्ड, कवर योर नोज एंड माउथ विद अ वेट क्लोथ व्हेन सराउंडेड बाय स्मोक। फोर्थ, If your clothes get on fire, lie down on the ground and extinguish the fire by rolling or covering with a blanket, coat or heavy clothes. Fifth, do not turn on any power switch. Turn off the main switch if possible. Sixth, do not use the lift. Use the stairs only. Seventh, turn off the gas regulator if पॉसिबल। तो यहाँ हम लिखेंगे, पहला, आग लगने पर तुरंत 101 नंबर पर कॉल करके सूचना दें। दूसरा, यदि कहीं फायर अलार्म है तो उसे बजाएं। तीसरा, धुएं से घिरे होने पर अपनी नाक और मुंह को गीले कपड़े से ढक लें। चौथा, यदि आपके कपड़ों में आग लग जाए तो ज़मीन पर लेट जाएं और उलट पलट करें, रोल करें, किसी कंबल, कोट या भारी कपड़े से ढककर आग बुझाएं। पांचवा, बिजली का कोई भी स्विच ऑन ना करें, अगर हो सके तो मेन स्विच बंद कर दें। छठा,
लिफ्ट का प्रयोग ना करें, सीढ़ियों का ही प्रयोग करें। सातवां, यदि संभव हो तो गैस का रेगुलेटर भी बंद कर दें। तो ऊपर दिए गए तरीकों का प्रयोग हमें आग लगने की स्थिति में करना चाहिए। तो बच्चों, आपका शीतकालीन अवकाश गृह कार्य यहाँ पूरा होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।